श्री राधे राधे। भक्तों, जिनके पिछले जन्म की भक्ति होती है, तपस्या होती है, ठाकुर जी का अनुराग जिनको पिछले जन्म का ही होता है, वे इस जन्म में कभी कभी कुछ दिन तक नास्तिक के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। पर ठाकुर जी कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर घटा देते हैं उसके साथ कि वो एकाएक परिवर्तित होता है और फिर भक्ति के पथ पर बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। और तब लोगों को आश्चर्य होता है कि अभी तो ये व्यक्ति नास्तिक था और अब इतना ऊंचा भक्त हो गया। ऐसा कई महापुरुषों के जीवन में दिखलाई पड़ता है। आज मैं जिन महान भक्त की चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, श्री राधारमण घोष, ये प्रारंभ में कुछ नास्तिक से थे और बाद में इतने महान भक्त हुए कि इनको भागवत भूषण कहा जाने लगा। ये ढाका के निवासी थे, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है। वहां एक भक्त थे श्री कृष्ण गोविंद घोष, ये उनके पुत्र थे। तो पिता तो बहुत भक्त थे लेकिन इनके अंदर उस समय भक्ति प्रकट नहीं थी। हाँ, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और इनके अंदर गुण भी बहुत थे। और खूब पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये एक स्टेट के कार्याध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए और बाद में एक राजा थे त्रिपुरा के। त्रिपुरा बहुत प्रसिद्ध जगह है। वो त्रिपुरा के राजा के, जो राजा का नाम था वीरचंद्र, तो त्रिपुरा के राजा वीरचंद्र माणिक्य के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। और ये वीरचंद्र जी जो त्रिपुरा के राजा थे, ये बहुत ही भक्त थे। तो इनके पिता तो भक्त थे ही राधारमण जी के, और जिन राजा के यहाँ इनको प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नौकरी मिली, ये राजा साहब गौर भक्त थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। और राज्य कार्य में व्यस्त रहने पर भी भजन जरूर करते थे और बहुत अच्छी तरह से सावधानी से करते थे। राधारमण घोष को वे इसलिए मानते थे कि राधारमण घोष सत्यवादी थे और बहुत सज्जनता थी। हाँ, वैष्णव जो भक्ति पथ है इस पर उनको श्रद्धा उस समय नहीं थी, लेकिन वैष्णव राजा के यहाँ नौकरी करते थे इसलिए कुछ कुछ पालन करना पड़ता था। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि वो एक साथ परिवर्तित हुए, और वो घटना मैं अब आगे सुनाने जा रहा हूं। बात ये थी कि राजा जो त्रिपुरा के थे वीरचंद्र जी, वो वृंदावन आते थे और वृंदावन में अधिकतर आया करते थे। तो वहां वृंदावन में ये उन्होंने एक अपनी कुंज बना रखी थी, दो मंजिला प्राचीन भवन, तो उसके ऊपर के मंजिल में ये बरामदे में बहुत सारा इनका सामान बिखरा पड़ा था। और ये राजा थे तो वैभवशाली सब कुछ था इनका, तो इनके पास एक ऐसी कीमती शाल थी जो बहुत ही कीमती शॉल थी, जल्दी मिलती नहीं ऐसी शॉल थी वो। और कर्मचारी लोग बहुत थे इनके, और प्राइवेट सेक्रेटरी राधारमण भी साथ में थे, बात तमाम कर्मचारी बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पर। और एक बंदर आया, और बंदर आया सीधा वही बहुत कीमती शॉल जो था उसको ले गया और लेकर के पेड़ पर उसको धीरे धीरे दांत से काटना शुरू किया।
हाथ से फटता नहीं था, दांत से काटता था वो। और राधा रमण जी जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, राधा रमण घोष, वो और राजा साहब के बहुत से कर्मचारी सब लोग उस शॉल को छुड़ाने की कोशिश में लगे, क्योंकि सबको पता था कि बहुत कीमती शॉल है। और शोरगुल सुनकर के राजा साहब भी बाहर आए तो वे चुपचाप खड़े बंदर की ओर देखते रहे, और कर्मचारी लोग बंदर को रोटी के टुकड़े देने लगे, मिठाई देने लगे, बहुत सी चीजें देने लगे खाने को, कि खाने में वो लग जाए और शॉल छोड़ दे। लेकिन बड़ा आश्चर्य कि खाने की अच्छी से अच्छी तमाम चीजें उसके पास रख दी गई खूब ज्यादा मात्रा में, तब भी वो कुछ भी नहीं खाया। और बंदर का जो खाने पीने का लोभ होता है वो कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा, बस वो शॉल को ही दांत से फाड़ने की कोशिश में जगह जगह लगा रहा, तमाम जगह उसने छेद कर डाले, फाड़ डाले। और बंदर राजा की ओर देखता था और पैने दांतों से उस शॉल को चीरता जाता, फिर राजा को देखता, फिर उसको फाड़ता। और महाराज जब त्रिपुराधिपति देखने लगे उस दृश्य को, तो उनका मुखमंडल जो था वो प्रेम के आंसुओं से अभिषिक्त हो गया, महाराज के नेत्रों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। बंदर के ऊपर गुस्सा उनको नहीं आया, एकदम झरझर प्रेम से आंसू निकले और चेहरा प्रेम विभोर हो गया था। महाराज को कुछ आश्चर्यजनक घटना महसूस हो रही थी। सभी लोग राजा के इस रहस्यमय भाव को देखकर चकित थे, लेकिन किसी का साहस नहीं हो रहा था कि कोई उनसे कुछ पूछे। और घोष महाशय जो राधा रमण जी, उनके मन में बड़ी हलचल हुई कि बंदर तो उनका इतना नुकसान कर रहा है और वो प्रेम विभोर होकर के बंदर को देख रहे हैं। आखिर में बंदर ने छोड़ा नहीं, उस शॉल को बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया, और कितनी चीज खाने को दी गई उसने कुछ नहीं खाया। तो राधा रमण घोष जी चकित थे कि महाराजा आज प्रेम विभोर क्यों हो रहे थे उस घटना से। तो वो सोच रहे थे कोई मौका मिलेगा तो पूछूंगा। और संध्या समय में जब वो अपने कमरे में गए, वहां कोई भी नहीं था, तो प्रार्थना पूर्वक उनसे अनुमति मांग करके उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी राधा रमण घोष ने कहा, महाराज आज बंदर वाली घटना से हम सब बहुत लज्जित हैं, हमारी असावधानी के कारण इतना नुकसान हुआ आपका, पर आपने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, और उल्टा ये लग रहा था कि आपके मन में कोई अपूर्व भाव का उदय हुआ था, जिसके लक्षण आपके मुखारविंद पर स्पष्ट दिख रहे थे, ये कौन सा भाव था क्या आप बताने की कृपा करेंगे महाराज, हमारे मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी जिज्ञासा हो रही है, बड़ी उत्सुकता हो रही है कि कुछ हम जान सकें आपके रहस्य को, कि क्या बात थी जो आप इतना प्रसन्न हो रहे थे। तो महाराज हंसने लगे। महाराज हंस करके बोले, राधा रमण ये वानर नहीं था, वानर के रूप में एक महापुरुष थे जो कृपा करके आए और मुझे एक बड़ी शिक्षा देकर चले गए। वो शिक्षा उनकी ये थी कि वृंदावन में निष्किंचन भाव से आना ही लाभप्रद है। मैं आया था राजसी ठाट बाट से, तमाम विषय भोग की सामग्री साथ लेकर, और शाल के टुकड़े करके वानर ने मुझे सावधान कर दिया, और अब मैं राजसी द्रव्य लेकर के राजापने का अभिमान लेकर वृंदावन कभी नहीं आऊंगा। ये शिक्षा मुझे उस वानर रूपधारी महापुरुष से प्राप्त हो गई है, और मैं तो आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे उपदेश किया। और बोलते बोलते राजा के नेत्रों से फिर आंसू गिरने लगे। राजा के अंदर सचमुच वैराग्य हो गया था, और राधा रमण घोष ये सब सुन करके अवाक, एकदम चकित रह गए।
उनके हृदय में एक भाव की तरंग उमड़ पड़ी, सारा शरीर पुलकित हो गया। महाराजन ने उपयुक्त अवसर देख करके कहा, राधा रमन, सच्चा वैष्णव होना बहुत मुश्किल होता है और वैष्णव धर्म का प्राण है दीनता अर्थात निरहंकारिता, और दीनता के अवतार हैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य, और उनकी कृपा दीनहीन अर्थात निरहंकारी वैष्णवों के ऊपर होती है, अकिंचन वैष्णवों के ऊपर। जिस प्रकार से वर्षा का जल उसी ओर जाता है, इकट्ठा होता है जहां नीचा होता है, सब इकट्ठा वहीं होता है। और मैं ठहरा महाराज दंभी अहंकारी, तो कैसे मेरे अंदर वो कृपा का जल आता। आज मेरे ऊपर उस महापुरुष ने जो वानर के रूप में आए थे ऐसी कृपा कर दी कि अब मुझे लगता है कि महाप्रभु की कृपा मेरे ऊपर भी होने वाली है। घोष महाशय कुछ बोल नहीं पाए, वे चुपचाप उठ करके चले गए और एकांत स्थान में जाकर के बैठे। महाराजा के हृदय तुणीर से निकला हुआ दीनता का रूप धारण किए हुए शर जो था बाण, वो राधा रमण घोष के हृदय में लग चुका था, और वे वैष्णवी दीनता की बात को समझने लगे थे। वे सोच रहे थे, जो धर्म मनुष्य को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है, उसके हृदय को कुसुम के समान सुकोमल कर सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसी धर्म को ग्रहण करके दीन दुखियों के एकमात्र प्रभु गौरांग की उपासना करूंगा। बस राधा रमण घोष के अंदर सच्ची वैष्णवता प्रकट हो गई। महाराजा के हृदय से जो शब्द निकले थे, राधा रमण घोष के हृदय में ऐसा मार्मिक प्रभाव डाल दिए कि जो स्थायी हो गए, अमिट छाप डाल दिया। और अब घोष महाशय पहले वाले घोष समझो नहीं रहे, वे तो पक्के सच्चे भगवत प्रेमी वैष्णव हो चुके थे। जितने दिन वृंदावन में रहे, वृंदावन के प्रभु की लीला की स्थलियों में भ्रमण करने लगे, साधु वैष्णवों का संग करने लगे, और बस उनको यही अच्छा लगता था कि किसी सच्चे भगवत प्रेमी के चरणों में पहुंच लूं और मुझे कुछ भक्ति का रस प्राप्त हो। ये तीव्र इच्छा उनके अंदर पैदा हो गई। भक्तों, पिछले जन्म की तपस्या थी राधा रमण घोष की, और भगवान के ऊपर उनकी जो श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई, बस उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि किसी ऐसे सच्चे वैष्णव से, भक्त से मिला दीजिए प्रभु, जो मुझे भक्त बना दे। और वो प्रभु ने सुन लिया उनकी बात। एक दिन वो किसी निर्जन स्थान में भ्रमण कर रहे थे, एक अकिंचन वैष्णव के दर्शन हो गए। वो वैष्णव संत एक तमाल वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए वृक्ष की ओर मुंह करके भागवत का पाठ कर रहे थे, किसी और देखते नहीं थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रही थी, भागवत पढ़ते जा रहे थे, आंखों से आंसू गिराते जा रहे थे, और तमाल वृक्ष के नीचे, तमाल वृक्ष की बिल्कुल तने के पास बैठ करके वृक्ष को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तमाल वृक्ष को वो भगवान के रूप में देख रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता था कि तमाल रूपी कृष्ण को ही भागवत सुना रहे हैं।
और यदि कोई संयोगवश श्रोता आ ही जाता तो भी उसकी ओर महाराज जी नहीं देखते थे, या तो उनको पता ही नहीं चलता था या उधर देखना ही नहीं चाहते थे। और घोष महाशय राधा रमन जी उन्हीं विरक्त संत जो भागवत पाठ कर रहे थे उनके पीछे बैठकर चुपचाप पाठ सुनने लगे। पाठ समाप्त होते ही महापुरुष के बिना जाने चुपचाप उठकर चले गए, जिससे उनको व्यवधान कुछ न हो। वैसे भी भागवत पाठ कभी पहले सुना होगा उन्होंने, लेकिन इस तरह से वो भागवत को सुन करके अंदर तक सरस कभी नहीं हुए थे जैसे अब हुए। दूसरे दिन फिर उसी जगह पर वो आए और उसी प्रकार पाठ सुन करके चुपचाप चले गए। कई दिन तक ऐसे आते रहे। एक दिन किसी प्रकार महापुरुष की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई और उन्होंने आदर पूर्वक निकट बैठाया और ग्रंथ की समाप्ति तक प्रतिदिन पाठ सुनने को कहा। महाराज जी जो विरक्त वैष्णव संत थे उन्होंने कहा, बेटा पाठ सुनो, जैसे बैठते हो शांति से बैठो, लेकिन बीच में मत उठा करो, पाठ जब प्रतिदिन पूरा हो तभी उठा करो। अब तो घोष महाशय को लगा कि उनके ऊपर कृपा हो गई। अब वो जैसे पीछे बैठते थे, महाराज जी के पीछे बैठते थे हमेशा वो, जिससे महाराज जी देखे नहीं उनको। अब उनके पास वो जाते थे तो इस तरह से बैठते थे कि वो तमाल वृक्ष का दर्शन भी करते रहे और महाराज जी का भी दर्शन करते रहे। और प्रतिदिन पाठ करने सुनने के लिए जाते थे और तमाल वृक्ष को ही देख करके वो महाराज जी पाठ करते थे। और ये जो राधा रमन घोष बैठ करके सुनते थे पाठ, तो तमाल वृक्ष को भी एक तक देखते थे, इसलिए कि महाराज जी तमाल वृक्ष को ही देखते रहते हैं, ऐसा लगता है कि इस तमाल वृक्ष को ये भगवान के रूप में देखते हैं। और बीच बीच में वो महाराज जी को देख लेते थे, फिर तमाल वृक्ष को ही देखते थे। और पाठ चलता गया और राधा रमन घोष जी प्रतिदिन सावधानी से जाकर के बैठते थे और सुनते थे। और बड़ी आश्चर्य की घटना एक घटी। जिस दिन पाठ पूर्ण हुआ, उस अंतिम दिन का पाठ जब समाप्त हुआ, तो तमाल का जो वृक्ष था उसका तना फट गया। एक आवाज के साथ वृक्ष का तना फट गया और उसके भीतर एक तीव्र रोशनी प्रकट हुई, एकदम नीला नीला प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी नीला प्रकाश के अंदर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के दर्शन हुए। और एक टक जो तमाल वृक्ष को देख रहे थे राधा रमण घोष, उनकी आंखों में वो नीला प्रकाश भर गया। उन्होंने देखा कि तमाल वृक्ष के अंदर से नीला प्रकाश निकला, वृक्ष का तना फट गया है और उसकी रोशनी में जो चारों तरफ फैलती जा रही है, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान कृष्ण को देखते ही राधा रमण घोष को सहन नहीं हुआ वो, और मूर्छित हो गए। उन भागवत पाठ करने वाले महापुरुष की क्या दशा हुई इसका उनको पता भी नहीं चल पाया, पर राधा रमण घोष एकदम मूर्छित हो गए। दर्शन तो प्राप्त कर लिया था, कन्हैया का दर्शन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आंखों को और हृदय को सहन करने की शक्ति नहीं रही। दर्शन तो मिला पर बेहोशी आ गई, मूर्छा आ गई, अथवा यूं कह लीजिए कि प्रेम की समाधि लग गई, जिसमें शरीर का कुछ अता पता ही नहीं रहा। और जब वो मूर्छा भंग हुई
तब उन्होंने देखा कि उस तमाल वृक्ष के नीचे भागवत पाठ करने वाले महापुरुष की गोद में सिर रखे हुए लेटे हैं, और ज्यों ही उनको बाह्य ज्ञान हुआ अपने शरीर का, तुरंत उठ बैठे और प्रगाढ़ भक्ति पूर्वक महापुरुष को बड़े भाव से प्रणाम किया, और महापुरुष ने बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधा रमन, तुम्हें मेरे राधा रमन ने कृपा करके साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारा तो नाम राधा रमन था घर में, पर आज वृंदावन में सच्चे राधा रमन ने तुमको दर्शन दे दिया। मेरा आदेश है बेटा कि तुम नित्य भागवत पाठ किया करो, और पाठ सुनाना केवल भगवान कृष्ण को ही। तुम्हें निश्चित रूप से भागवत पाठ का जो वास्तविक फल है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की भक्ति, प्रेम की प्राप्ति, वो सब तुमको मिल जाएगा। आज मैंने देख लिया जो प्रभु ने तुमको दर्शन दिया और तुम प्रेम की समाधि में मूर्छित हो गए थे, तुम्हारे ऊपर कन्हैया की कृपा हो चुकी है बेटा। बस उसी दिन से घोष महाशय अपने घर में एकांत में किसी वृक्ष के नीचे प्रतिदिन भागवत पाठ करते थे और सुनाते भगवान को ही थे। कभी उनके साथ कोई होता भी यदि पाठ सुनने वाला, तो वो उन लोगों को नहीं देख करके कृष्ण को ही देखते थे, और उनके पाठ में अमृत की वर्षा होती थी। सुनने वाला रोने लग जाता था बाबू जो रो करके। वो भागवत के श्लोकों की गौरपरक व्याख्या करते थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई उनके ऊपर, और भक्त लोगों ने अनुभव किया कि जब वो भागवत पाठ करते थे तो घोष जी के ऊपर कभी जीव गोस्वामी का आवेश आ जाता था, कभी अन्य किसी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का या अन्य किसी महाभागवत का आवेश आता था, और बिल्कुल उसी की तरह से वो बोलते थे, उन महापुरुष की तरह से व्याख्या करते थे, संशयों को दूर कर देते थे, और भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो जाती थी। ऐसी अद्भुत कृपा उनके ऊपर ठाकुर जी की हो गई थी। जो राजा त्रिपुरा के थे महाराज वीरचंद्र, पहले तो राधा रमण घोष उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नौकरी करते थे, और अब राजा साहब जान गए कि ये राधा रमण घोष भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हो चुके हैं, इसलिए अब स्वयं राजा इनकी सेवा में रहता था, राजा इनकी सेवा करता था, बड़े भाव से करता था। बहुत से ग्रंथ महाराज के द्वारा, राधा रमण के द्वारा विरचित हुए, उन सब के प्रकाशन की व्यवस्था राजा ने की, उनके निवास की, सेवा की सारी व्यवस्था की, और बहुत से भक्तों को इनके द्वारा वृंदावन धाम का आनंद प्राप्त होता रहा। इस प्रकार से इनका जीवन ठाकुर जी की कृपा से परम वैष्णव के रूप में हो गया, और भागवत भूषण कहे जाने लगे, और भक्तिमय प्रेममय आवेश में अर्थात कन्हैया की प्रीति में ही शरीर छोड़कर के भगवत धाम की प्राप्ति की। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।